हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज बनाने जा रही हूँ नया डिजाइन का डोरमेट। तो ये डोरमेट बनाने के लिए मैंने 3 कलर का ऊन ले लिया है और 9 नंबर की सिलाई ले ली। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। पहली सिलाई से ही आपको बताऊँगी। तो इसमें मैंने 30 फंदे डाल लिए हैं। 30 फंदे डालने के बाद देखिए कैसे मैं बनाती हूँ। पहला फंदा मैं उतार लूँगी, बाकी फंदे को हम इस तरह से बुन लूँगी। बुनते बुनते मैं 18 फंदे बुनूँगी, 4 हो गए। अब देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 फंदे बुन ली। अब यहाँ से मैं दूसरी कलर इसमें लगाऊंगी। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फंदे बुन ली और 2 फंदे नीचे के साइड छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। अब सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और अब 16 फंदा बुनेंगे। 5 हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब क्या करेंगे, 2 फंदा हम ऊपर की साइड बुन लेंगे ऐसे। और नीचे के साइड हम 2 फंदे छोड़ देंगे और सिलाई को हम यहीं से पलट लेंगे। और सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से हमें बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं कर लेती हूँ, फिर देखा। देखिए सीधी सिलाई बना ली, तो ये लाइन 2 बन गए हैं। तो 2 और मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे के साइड 2, 2, 4 फंदे छूट गए हैं, तो 4 फंदे और मैं छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। बुनना उसी तरीके से है, 2-2 फंदे हम ऊपर की साइड लेंगे और नीचे के साइड 2-2 फंदे हम छोड़ देंगे। तो मैं बुन लेती हूँ, फिर देखिए। देखिए मैंने 4 सिलाई बुन ली है, ये 1, 2, 3, 4 लाइन बन गई है। तो 4 सिलाई सीधी साइड से, 4 सिलाई उल्टी साइड से मैंने बना ली। अब क्या करना है देखिए, अब फिर से हम इसमें दूसरी कलर लगाएंगे। तो देखिए दो फंदे रह गए, यहीं से हम लगाएंगे। दो फंदे तो हम ये बुन लिए और बाकी के हम ये वाले बुन लेंगे, पिंक वाले। नीचे के साइड से हम 2-2 फंदा फिर से छोड़ते ही जाएंगे। देखो 2 फंदे छोड़ दे, फिर यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। अब जो जैसा कलर है सीधी साइड से उससे बुन के कंप्लीट कर लेंगे।
आप पिंक से नहीं बुनेंगे, अब सिर्फ ये दो ही कलर से मैं बुनूंगी। देखिए वाइट से और ये मेहंदी कलर से दोनों कलर से मैं बुनाई करूँगी और पिंक वाले अभी नहीं लगाएंगे। तो मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, ये दो 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 करते हुए यहाँ तक आएंगे, दो फंदे रह जाएंगे, दो फंदे रह जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेना उसी तरह से नीचे के साइड से हमें दो दो फंदे छोड़ देना है, ऊपर की साइड दो दो फंदे आ जाएंगे। तो मैं बुन लेती हूँ फिर दो। देखिए मैंने ये दो फंदे तक सारे बुन लिए, दो फंदे छोड़ के। तो आप देखिए अब इसी कलर से हम सारे फंदे को बुन लेंगे। इस तरीके से हम सारे फंदे को बुन लेंगे, एक सिलाई सीधी साइड से, एक सिलाई उल्टे साइड से। अब एक सिलाई हम सीधी साइड से बुन लेंगे। तो बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया ये दो सिलाई। तो अब क्या करना है देखिए, पहला फंदा उतार लिया और ये एक फंदा है, इसे हम बुन लेंगे। अब यहाँ से हम 10 फंदे वाइट से बनाएंगे, एक दो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सिलाई को यहीं से पलट लें। अब क्या करना है, दो दो फंदा जो मैं छोड़ी थी वो दो दो फंदा ऊपर से नीचे की साइड आएंगे और नीचे जो छोड़ी थी उसे हम ऐड कर लेंगे। किस तरह से करना है एक बार देख लीजिए। अब ये फंदा मेहंदी कलर वाले बढ़ने वाले हैं, दो हैं तो अब चार हो जाएंगे। दो दो फंदे हम नीचे की साइड लेते जाएंगे और यहीं से वाइट वाले नीचे तक जाएंगे और दो दो फंदे हम नीचे की साइड से इसमें ऐड कर लेंगे। ये दो फंदे हम इसमें ऐड कर लेंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ जहाँ तक व्हाइट वाली छोड़ी थी। तो फिर मैं दिखाती हूँ, देखिए ये लास्ट सिलाई है। तो दो दो करते हुए मैंने सारे फंदे बुन लिए, जो वाइट वाले थे वो कंप्लीट हो गई है। दो फंदे और लेने हैं हमें। ये वाइट वाले दो फंदे रह गए थे, ये कंप्लीट हो गए और सिलाई को यहीं से पलट लेना है और जो जैसा कलर है उसी कलर से बुन के कंप्लीट कर लेना है ये सीधी साइड से। फिर मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए ये वाइट वाली कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, अब हमें पिंक वाली कलर लगानी है इसमें। तो देखिए देखिए अब यहाँ से हम ये पिंक वाली यहाँ ले लेंगे और सारे फंदे को ये वाइट वाली जितनी है सब हम दो फंदा मैं इसमें से बुन लूँगी।
अब हम यहाँ से पिंक वाले लगाएंगे। और नीचे के साइड जितने व्हाइट वाले सारे पिंक हो जाएंगे। और उसके बाद मैं दो दो फंदे नीचे के साइड से ले लूँगा। ये दो फंदे ले ली, यहीं से पलट दूँगी। सीधी साइड से बुन लेती हूँ जो जैसा कलर का है, फिर दिखाती हूँ। एक बार और देख लीजिए। अब दो दो फंदे हम नीचे के साइड छोड़े थे वो पिंक कलर से हम बुन लेंगे, तो ये कली कंप्लीट हो जाएगी। दो फंदे हम इसमें से ले लेंगे। तो इसी तरीके से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। दो फंदे यहाँ से ले लूँ और यहीं से सिलाई को पलट। दो दो चार दो छः फंदे रह गए हैं, तो मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ।